फ्रेंड्स, आपका रिस्पांस देख के अच्छा लगा। मैंने देखा कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो सर्वेइंग का कंपास सर्वे चैप्टर मैंने डिस्कस किया था वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन की बात थी। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी लोकल अट्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए, उस केस में जब फोर बेयरिंग या बैक बेयरिंग में करेक्शन करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगी कि लोकल अट्रैक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप उसे इंक्लूडेड एंगल के थ्रू फाइंड आउट करिए, ठीक। और दूसरा तरीका ये है कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के टर्म में आप उसे फाइंड आउट करिए, ठीक। तो उस वीडियो में मैंने इंक्लूडेड एंगल के थ्रू डिस्कस किया था, ठीक है। ये मेथड मैं विद इफ़ेक्ट ऑफ फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग से डिस्कस करूँगी। फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के करेक्शन को भी बताऊँगी। और एक बात, कुछ लोगों को डायग्राम्स बनाने में भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग या एंगल गिवन आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और वीडियो के एंड में मैं इसी क्वेश्चन का विद डायग्राम सोल्यूशन दे दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपास ट्रैवर्स ए बी सी डी रन क्लॉकवाइज एंड फॉलोइंग बेयरिंग टेकन फाइंड द लोकल अट्रैक्शन एंड द करेक्ट बेयरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ए बी बी सी सी डी डी है। लोकल अट्रैक्शन का सबसे पहला फंडा ये होता है कि हमें फाइंड आउट करना हो कि कौन सा एंगल 180 डिग्री पे है। तो हम चेक करा मैंने, तो ए बी बी सी दोनों अट्रैक्शन से अफेक्टेड थे, पर जब सी डी पे आए तो 240 डिग्री 15 मिनट माइनस 60 डिग्री 15 मिनट। देखिए 180 डिग्री 0 मिनट, इसका मतलब ये है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। जब डी ए पे आते हैं 290 डिग्री 30 मिनट माइनस 110 डिग्री 10 मिनट, ये अफेक्टेड होता है लोकल अट्रैक्शन से 180 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो 20 डिग्री का अफेक्शन है। और एक चीज़ है, इट्स अ क्लॉकवाइज ट्रेवर्स सो द इंक्लूडेड एंगल आर एक्सटीरियर एंगल। ये मैंने उसमें भी बताया था कि अगर इन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इंक्लूडेड एंगल इंटीरियर हो जाता है, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स होता है तो ये एक्सटीरियर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है डी ए सेक्शन में। तो अगर डी ए सेक्शन की बात करें तो करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ डी ए ये कितनी हो जाएगी, दे रखी है 290 डिग्री 30 मिनट, ये करेक्ट होगी क्योंकि डी जो सेक्शन है या डी जो स्टेशन है वो अफेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे भी जो डी की फोर बेयरिंग होगी वो अफेक्टेड नहीं होगी। अब यहाँ पर करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ डी ए कितनी होगी, करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ डी ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 180 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। 290 डिग्री अगर सही है तो 290 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, ये देखिए 110 डिग्री 30 मिनट, ये आया 110 डिग्री 30 मिनट, ये मिला कैसे हमको 290 डिग्री 30 मिनट को 180 डिग्री से माइनस करने पे। तो ये करेक्ट फोर बेयरिंग हो गई। तो ऑब्जर्व्ड कितनी हो जाएगी, जो हमने ऑब्जर्व्ड की थी बैक बेयरिंग वो थी हमारी 110 डिग्री 10 मिनट, ये देखिए 110 डिग्री 10 मिनट, ठीक। करेक्शन यहाँ पे स्टेशन ए पे कितने का होगा, करेक्शन एट स्टेशन ए, करेक्शन एट स्टेशन ए होगा प्लस 20 मिनट का, क्योंकि 10 और 30 मिनट यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर 20 मिनट का क्या है, करेक्शन है एट द स्टेशन बी। अब आगे बात करते हैं, डी ए हो गया तो ए बी की बात करते हैं। ऑब्जर्व्ड फोर बियरिंग ऑफ ए बी ये कितनी है, 80 डिग्री 45 मिनट, ये ऑब्जर्व थी। तो करेक्ट कितनी हो जाएगी फोर बियरिंग ऑफ ए बी, करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ ए बी निकालने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर करेक्शन किया था 20 मिनट का। तो यहाँ पर जो करेक्शन, मतलब इसका जो करेक्शन हो जाएगा 80 डिग्री 45 मिनट प्लस 20 मिनट, ठीक है। प्लस 20 मिनट करेंगे तो 80 डिग्री 45 मिनट प्लस 0 डिग्री 20 मिनट,
ये आंसर आ गया 81 डिग्री 5 मिनट, डिग्री 5 मिनट। ठीक, इसके बाद आई बारी आती है करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ ए बी। तो ए बी की बैक बेरिंग का अगर करेक्शन करेंगे तो 81 डिग्री 5 मिनट है, इसमें 180 डिग्री ऐड कर देते हैं प्लस 180 डिग्री, कितना आ गया 261 डिग्री 5 मिनट, उसको लिख सकते हैं 261 डिग्री 5 मिनट। अब आते हैं फिर से, ऑब्जर्व्ड बैक बेरिंग कितनी थी ए बी की, ये ऑब्जर्व थी बैक बेरिंग 260 डिग्री 0 मिनट, 260 डिग्री 0 मिनट। तो इन दोनों में अगर करेक्शन देखेंगे तो करेक्शन एट स्टेशन बी कितना मिल गया हमको इन दोनों में से, प्लस 1 डिग्री 5 मिनट का करेक्शन मिल गया। ठीक है, 1 डिग्री 5 मिनट का करेक्शन अगर बी पे है तो ये कहाँ पर निकलेगा, जो सी पर हम चेंज करके कर सकते हैं। तो सी की ऑब्जर्व्ड 4 बेरिंग हो जाएगी, ऑब्जर्व्ड 4 बेरिंग ऑफ बी सी, ऑब्जर्व्ड 4 बेरिंग ऑफ बी सी है 130 डिग्री 30 मिनट, 130 डिग्री 30 मिनट। ठीक, ऑब्जर्व 4 बेरिंग 130 डिग्री, तो इसकी करेक्ट कितनी हो जाएगी, करेक्ट 4 बेरिंग ऑफ बी सी इसी में ऐड हो जाएगा 131 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, अब ये करेक्ट 4 बेरिंग हो गई तो इसकी बैक बेरिंग भी कुछ होगी, मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ ताकि फंडा रहे क्लियर। तो इसकी बैक बेरिंग कितनी हो जाएगी, इसी में 180 डिग्री क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस करना पड़ेगा, ये देखिए 131 डिग्री 35 मिनट प्लस 180 डिग्री कितनी आ गई, 311 डिग्री 35 मिनट। ओह शिट, 311 डिग्री 35 मिनट। ठीक, तो ये आपके सारे बाय द इफ़ेक्ट ऑफ ये आ गया, मैं इसका डायग्राम बनाने की को यहाँ पर मैं फिर से लिखती हूँ। अब यहाँ पे ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक, अब इसकी करेक्ट करेक्ट बेरिंग लिखेंगे। सी डी में तो कोई इफेक्ट नहीं था, कोई चेंजेस नहीं थे, तो ये 240 डिग्री 15 मिनट और ये 60 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, अब सी डी, फिर डी ए की बात करते हैं। डी ए में जो आई थी हमारी करेक्ट 4 बेरिंग में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, 290 डिग्री 30 मिनट, पर बैक बेरिंग में चेंजेस हुए, तो बैक बेरिंग कितनी हो गई, 110 डिग्री 10 मिनट तो थी दी, 110 डिग्री 30 मिनट हो गई। ठीक, इसी तरीके से इसकी जो ऑब्जर्व थी वो कितनी थी, 80 डिग्री 45 मिनट, पर जब हमने सॉल्व की तो कितनी आई, 81 डिग्री 5 मिनट, 81 डिग्री 5 मिनट। ये 81 डिग्री 5 मिनट हुई, इसकी बैक बेरिंग भी चेंज हुई, इसकी बैक बेरिंग जब चेंज हुई तो ऑब्जर्व बैक बेरिंग कितनी आ गई, करेक्ट बैक बेरिंग 261 डिग्री 5 मिनट, 261 डिग्री 5 मिनट। अब इस तरीके से बी सी की जो थी 130 डिग्री 30 मिनट थी, हमने इसमें चेंजेस जब लाए 35 मिनट, और बैक बेरिंग कितनी हो गई, 311 डिग्री 35 मिनट। तो इस तरीके से ये देखिए क्वेश्चन में हमें क्या मिला था और हमें चेंजेस क्या क्या मिले। देखिए ए बी का देखिए 81 डिग्री हो गया, 261 हो गया, तो लोकल अट्रैक्शन की वजह से जो जो इफ़ेक्ट हुए, कि अगर 4 बेरिंग बैक बेरिंग के टर्म्स में निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, ठीक है, तो देखिएगा पॉइंट ए पे 81 डिग्री 5 मिनट, ये है आपकी 4 बेरिंग और ये है आपकी बैक बेरिंग, तो यहाँ से सीधे ऐसे जाएगा, ये मिलेगी हमको 81 डिग्री 5 मिनट। इसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, ये आप अपने लॉजिकल वे में लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, बी पॉइंट पे मिला, ये यहाँ पे बी पॉइंट है, बी पॉइंट से कैसे होगा, बी पॉइंट की 4 बेरिंग 131 डिग्री 35 मिनट है, इट मीन्स ये इधर कहीं आएगा, ये 131 डिग्री 35 मिनट। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, सी पॉइंट है, सी का है 240 डिग्री 15 मिनट, इट मीन्स ये, यानी कि इसकी जो पूरी यहाँ से 4 बेरिंग हो गई, इसकी हो गई 240 डिग्री 15 मिनट।
ठीक उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ से कहीं इधर जुड़ेगा 290 डिग्री 30 मिनट, ये 290 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए यहाँ पे बैक बेयरिंग भी दे रखा है, तो सी और ये डी। तो बैक बेयरिंग जो होती है ए बी और डी ए, यानी कि इसकी जो बैक बेयरिंग होगी वो इससे कोरिलेट होगी, तो 81 डिग्री और 5 मिनट इसकी अगर बैक बेयरिंग देखी जाए तो इसके हिसाब से कितनी होगी, देखिएगा मैं बैक बेयरिंग बना रही हूँ इसके हिसाब से, डायग्राम क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसकी बैक बेयरिंग मिलेगी हमको ए बी की 110 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ से ले लीजिए, हमेशा नॉर्थ सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, चाहे फोर बेयरिंग हो चाहे बैक बेयरिंग हो, यहाँ से स्टार्ट करिए और ये इसके बैक यानी कि प्रीवियस लाइन तक खींचिए 110 डिग्री 30 मिनट। अब इस लाइन की बैक बेयरिंग कितनी मिलेगी हमको, 261 डिग्री 15 मिनट। बी की बैक बेयरिंग 261 डिग्री 15 मिनट, यहाँ से पूरा लीजिए और इसकी प्रीवियस लाइन तक, ये कितनी हो गई 261 डिग्री 15 मिनट। इसके बाद सी डी की बात है, सी डी का 311 डिग्री 35 मिनट। तो 311 डिग्री 35 मिनट यहाँ से स्टार्ट करिए और इसके प्रीवियस लाइन तक, ये मिल गया 311 डिग्री 35 मिनट। फिर इस लाइन के लिए अगर हमको देखना है डी के लिए, तो 60 डिग्री 15 मिनट, 60 डिग्री और 15 मिनट इसके हमें इसके प्रीवियस लाइन तक जाना है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन होगा इसकी जो बैक बेयरिंग होगी ये होगी, ये मिलेगी 60 डिग्री 15 मिनट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग विद डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, अगर ये क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हुआ, ठीक है, आपने देखा अभी मैंने बात की थी इंक्लूडेड एंगल की, तो इसका जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो आउटर सेक्शन होगा। जब आपको फोर बेयरिंग पता है, बैक बेयरिंग पता है, तो आप सीधे सीधे ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एंगल ए, इट मीन्स इट्स अ इंक्लूडेड एंगल। उसी तरीके से इस सेक्शन के लिए ये पूरा जो बॉट सेक्शन है ये इसका एंगल बी का इंक्लूडेड एंगल हो गया और इसका इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन मैं अगर सेकेंड मेथड से सॉल्व करूँ, जो मेथड मैंने पहले बताया था, मैं इसी क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर दिखाती हूँ। इंक्लूडेड एंगल ए फाइंड आउट करेंगे तो विद अ क्वेश्चन, हमारे पास ये है क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन है, मेथड टू की बात कर रहे हैं हम, इंक्लूडेड एंगल मेथड। इसमें क्या हो जाएगा, 80 डिग्री 45 मिनट माइनस, ठीक, इसकी बैक बेयरिंग 110 डिग्री 10 मिनट, ठीक। तो ये कुछ माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा ये वैल्यू आंसर, और इसमें कर देते हैं 80 डिग्री 45 मिनट माइनस 110 डिग्री 10 मिनट, ये आ रहा है माइनस 29 डिग्री 25 मिनट। इसको प्लस 360 डिग्री करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 330 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। इसी तरीके से सारा एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल बी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री 30 मिनट माइनस इसकी बैक बेयरिंग 260 डिग्री 0 मिनट प्लस 360 डिग्री करना पड़ेगा, माइनस की वैल्यू आएगी, ये मिलेगा 230 डिग्री 30 मिनट, ठीक। सी पे आते हैं, सी का कितना मिलेगा हमको, 240 डिग्री 15 मिनट माइनस 311 डिग्री 35 मिनट, ठीक, ये भी माइनस में आएगा, प्लस 360 कर दीजिए, ये आ जाएगी वैल्यू 288 डिग्री 40 मिनट। इसी तरीके से एंगल डी है, एंगल डी आएगा 290 डिग्री 30 मिनट माइनस 60 डिग्री 15 मिनट प्लस 360 डिग्री, ये आएगा 230 डिग्री 15 मिनट। सारे इंक्लूडेड एंगल आ गए आपके पास, ठीक। वो मेथड क्या था, सबको ऐड कर देना है। जब हमने इसका सम किया तो ये क्या आ गया, 108 0, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2n प्लस 4 इंटू 90। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 90, 8, 8 4 12, 12 गुणे 90 1080, ये भी 1080
80 ही आएगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई करेक्शन इंक्लूड एंगल के थ्रू नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में करेक्शन करना पड़ेगा हमें, ठीक। तो करेक्ट फोर बेयरिंग, क्योंकि लोकल अट्रैक्शन तो लगा ही है, तो करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ डी ए, ये तो करेक्ट ही है, 290 डिग्री 30 मिनट, ठीक। इंक्लूडेड एंगल में कोई मतलब इंक्लूडेड एंगल में कोई करेक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एरर नहीं आई है, तो डायरेक्ट हम फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में करेक्शन कर देते हैं। तो करेक्ट फोर बेयरिंग ये हो गई, तो इसकी करेक्ट बैक बेयरिंग कितनी हो जाएगी, करेक्ट बैक बेयरिंग 110 डिग्री 30 मिनट हो जाएगी, माइनस 180 कर दीजिएगा इसी को यहाँ से, माइनस 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमें। उसके बाद फोर बेयरिंग ऑफ ए बी की निकालते हैं, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी निकाल लीजिए, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी कितनी हो गई, 110 डिग्री बैक बेयरिंग, मतलब 110 डिग्री 30 मिनट बैक बेयरिंग, और प्लस इसकी जो वैल्यू आई थी आपकी, किसकी, एंगल ए की जो वैल्यू आई थी, प्लस इंक्लूडेड एंगल। फोर बेयरिंग बराबर क्या होता है, बैक बेयरिंग प्लस इंक्लूडेड एंगल, तो 110 डिग्री 30 मिनट प्लस 330 डिग्री 35 मिनट, 330 डिग्री 35 मिनट, माइनस 360 करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में आएगा आंसर, तो ये आ गया 81 डिग्री 5 मिनट। देखिए सेम आंसर आ रहा है जो पहले क्वेश्चन में आया था, 81 डिग्री 5 मिनट, ये दूसरे का सलूशन है पहले सेक्शन का, 81 डिग्री 5 मिनट, ठीक। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, फोर बेयरिंग ऑफ बी सी निकालना पड़ेगा, फोर बेयरिंग ऑफ बी सी के लिए 81 डिग्री 5 मिनट है, तो इसकी बैक बेयरिंग मतलब पता होनी चाहिए, 81 डिग्री 5 मिनट क्या है, फोर बेयरिंग है, तो बैक बेयरिंग यहाँ पर लिखना होता है 180 डिग्री, ये हो गई बैक बेयरिंग, और प्लस इंक्लूडेड एंगल ऑफ बी, तो प्लस कितना हो गया, 230 डिग्री 30 मिनट, ठीक। ये जो भी आएगा इसको माइनस कर दीजिएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू जो आएगी आपकी, ये जो वैल्यू आएगी आपकी माइनस में आएगी, तो माइनस मतलब जो भी आएगी वैल्यू मैक्सिमम आएगी 360 डिग्री से, एक्चुअली देखने में लग रहा है, तो 360 डिग्री माइनस करना पड़ता है, तो 131 डिग्री 35 मिनट। फिर फोर बेयरिंग ऑफ सी डी, फोर बेयरिंग ऑफ सी डी कितनी हो गई, 131 डिग्री 35 मिनट इसकी फोर बेयरिंग, प्लस ठीक है 180 डिग्री, फिर प्लस करना पड़ेगा एंगल की, वो 288 डिग्री 40 मिनट, ये भी ज़्यादा हो जाएगा आपका, 360 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 300 तो यही हो गए, तो माइनस 360 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे 240 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखिए, तो जो भी सेक्शन हमने पहले सॉल्व किया था सेम वही वैल्यूज़ आई हैं, आप दोनों मैच करा लीजिएगा, और ये है आपका, दोनों मेथड से मैंने बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों तरीके बताए हैं, एक साथ बताए हैं, और डायग्राम बताया है, किसी को डायग्राम में प्रॉब्लम थी, डायग्राम हमेशा विद जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बनाइए, कभी भी गलत नहीं होगा। और थैंक्स फॉर योर क्वेरीज, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन सेंड योर क्वेश्चंस, आई विल सॉल्व, एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल लिंक्स विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, थैंक यू।